हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल इंटरनेट को लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है और आप चाहते हैं वह इंटरनेट हॉटस्पॉट के माध्यम से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में मोबाइल इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल ले लें और आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे मोबाइल की सेटिंग में भी होता है हॉटस्पॉट। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली भी हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा देर कर लॉन्ग प्रेस करूँगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेम और पासवर्ड, तो आपको इसी नेम पर पासवर्ड इंटर करना होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। उसके बाद आपको कनेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई मैंने ऑन कर दिया, अभी ऑफ कर दिया, अब ऑन कर देता हूँ, दोबारा से ऑन कर देता हूँ। तो अभी हॉटस्पॉट जो है आपके मोबाइल का ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कंप्यूटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन होती है इस तरह की, ये वाली बटन जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जैसा कुछ बना हुआ है, तो आप इसको दाब देंगे। तो अगर आप इसको मतलब नहीं दाबेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो एक वो बन गया, वो फ्लाइट टाइप का एक आइकॉन दिख रहा होगा। तो मतलब अभी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई ऑन नहीं है। तो ऑन करने के लिए हमें इस वाली बटन को, फ्लाइट वाली बटन को प्रेस करना होता है। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो आपका वाईफाई जो है ऑन हो जाता है कंप्यूटर में। अब आप अपने स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले आइकॉन पर जहाँ पर वेव का आइकॉन बना होगा, और आप देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नेम लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी वाईफाई आपके नियर में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। क्लिक करेंगे आप इस पर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं। अभी ये नेटवर्क जो है चेक कर रहा है, तो इसे चेक कर लेने देते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों प्रोसेसिंग होने में। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देना है। तो पासवर्ड आप अपने हॉटस्पॉट में जो भी सेट किए होंगे आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड सेट किया है, तो आप अपना पासवर्ड देख लें। उसके बाद अगर आप पासवर्ड नहीं इंटर किए रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। तो पासवर्ड आप ज़रूर बना लें। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है। तो आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर दें। तो दोस्तों, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। मतलब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में मोबाइल इंटरनेट को कनेक्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ चलाकर चल रहा है या नहीं। तो ये गूगल क्रोम ये जो है नॉट रिस्पोंडिंग में आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र को हम दोबारा से ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी, पैसा लिख देते हैं, पैसा से बढ़कर आज के ज़माने। पैसा लिखने के बाद सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लैपटॉप में इंटरनेट चलने लगा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप
अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।